Hey guys, Assalamualaikum and welcome back to our channel Subtle Sleeves. तो मुंबई से पुणे के सफर में मैंने कितना सफर किया है ये आपको आज के वीडियो में दिखेगा. और ये जो मेरे बाजू में आप दाढ़ी वाले आदमी को देख रहे हो ना, हाँ ये मेरे दोस्त का बड़ा भाई है आफ्ताब. और क्लियरली हम दोनों की शादी जमती है. I'm very sure इसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है, बट ठीक है, आप लोग हो ना, आप लोग ने तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा ही दिया होगा. तो आ गए हम लोग सरियत के घर पे. क्या हाल है भाई? और बंडी कैसा? बस एक नंबर यार, कैसा चल रहा है? बस आ गए हम लोग बॉम्बे से पुणे, 4 घंटे लगे हमको यार. तो कैसा रहा भाई तुम लोग का सफर? सफर एक्सप्लेन, बता तो आप लोग को मेरा सफर कैसा रहा. तो ओरिजिनली तो हमें 8 बजे निकलना था, बट ये महाशय 10 बजे मेरे घर आए, फिर हमने नाश्ता किया और निकले. मुंबई में तो ट्रैफिक मिलेगा ही हमेशा की तरह, मगर आगे का रास्ता खाली था. और फिर हमने ये लोनावला वाला टनल भी क्रॉस किया और इसका इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डाला, ताकि लोगों को लगे ना कि सज्जाद फाइनली मुंबई से बाहर निकला है. कितना है बॉस? कितना है टोल? 130. पुणे जाना है? पुणे 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 जाना है. तो अभी मैं आपको टोल के बारे में बताने वाला हूँ, मगर ऐसे नहीं, अपने फोन को सीधा कर लो. जय हिंद दोस्तों, मैं सटल स्लीव. अभी मैं आपको बताने वाला हूँ टोल कैसे भरा जाता है मुंबई से पुणे जाते हुए. तो वैसे 2 टोल आते हैं, एक टोल आएगा आपको जब आप मुंबई से बाहर निकलोगे पनवेल की तरफ. तो पहला टोल आता है ये 35 रुपए का, देख रहे हो क्या ये भिखारी, 35 रुपए का टोल है ये, समझा क्या? उसके बाद में आपको दूसरा टोल आएगा आगे लोनावला के पहले. तो वहाँ पे अपने को क्या करने का, अपने को 230 रुपया भरने का. तो 230 भरा तो अपना मुंबई टू पुणे पूरा टोल निकल जाता है. मतलब टोटल में देखेंगे ना 265 रुपीज में आपका टोल खत्म हो जाएगा मुंबई से पुणे जाने का, समझ रहे हो? जय हिंद, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ठीक है? 1 मिलियन सब्सक्राइबर मांगते हैं अपने को जल्द से जल्द. और फिर हम लोनावला के नए वाले फूड पॉइंट पे गए, जिस इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप के ठीक पीछे था. कभी सोचा है कि एक भूखे पठान को जब खाना मिलता है तो वो कैसे नाचता है? ये देखो. तो इन्हें तो पता था कि इन्हें KFC का मील उठाना है, बट मैं काफी कंफ्यूज था कि मैं क्या खाऊं. और फ्रेंकली यहाँ पे ऑप्शंस भी बहुत सारे थे. तो बड़ा सोच विचार करके सारे ऑप्शंस देख के मैंने बोला कि भाई मेरे लिए भी KFC का एक बर्गर ही लेकर आ जाओ. ये देखो कितना अच्छा बर्गर है ये. वैसे तो हम 2 भाई हैं, मगर फ्राइज से फेक. बस फिर क्या, मैं समझ गया कि हम दोनों ही शेयरिंग के मूड में नहीं है. क्या करूं, कुछ कर भी तो नहीं सकता, इतना प्यार जो करता है ये मुझसे. और फिर जब आखिरी फ्रेंच फ्राई बचा, तब हम दोनों की हालत कुछ इस तरह हुई जैसे शादी में आए हुए समलियों की होती है, जब कुर्सियां बहुत लिमिटेड हो. बैठना सबको है, मगर क्या करे, इज्जत भी देना है और पहले आप भी खेलना है. और जो लोग स्क्रीनशॉट लेने वाले हैं, ये उनके लिए मेरा सेल्फी वाला पोज. ये पुराने फूड कोर्ट के मगनलाल चिक्की वाले अंकल तो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैंने उन पे चीट ही कर दिया हो नए वाले फूड कोर्ट में जाके. पूरा कोहरा ही कोहरा है, मैं यूट्यूबर हूँ जो इसमें आया हूँ. क्या आप भी उन लोगों में से हो जो अपने आप को एडल्ट तो बुलाते हैं, मगर उन्हें गाड़ी का टायर चेंज करने नहीं आता? तो घबराइए मत, अब आपकी जिंदगी में मैं आ गया हूँ. गाड़ी के डिक्की के अंदर ये जो सीक्रेट कंपार्टमेंट है, जिसके अंदर आप अपने पेरेंट्स से छुप के
छुपाते हो इसके अंदर आपको टायर चेंज करने का किट मिलेगा। तो ये वाला जो पाना है इसे आप टायर के नट पे लगा के लूज कर दीजिए और जब सीधे हाथ से नट बोल्ट ना निकले तो उस पर लात मार देना। भला हो ये बाइक वाले रैंडम स्ट्रेंजर का जिन्होंने हमें टायर चेंज करना सिखाया। गाड़ी के चेसी पे इस तरीके से जैक को अटका के ये दोनों औजार यूज करके गाड़ी को एलिवेट कर दीजिए। जिस तरह घर पे बिना ईयरफोन्स के आप सेक्रेट गेम्स नहीं देख सकते हो, उसी तरह बिना स्पेयर टायर के आप गाड़ी नहीं चला सकते हो। और जब गाड़ी रणवीर सिंह और स्नूप डॉग जितनी हाई हो जाए तब टायर को खींच के बाहर निकाल देना। और जिस तरह आपकी क्रश ने आपको स्पेयर में रखा है उसी तरह गाड़ी का जो स्पेयर टायर है उसको यहाँ पे लेके लगा दो और नट बोल्ट को टाइट कर दो। और एक सिंगल आदमी होते हुए ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको रिलेशनशिप एडवाइस दूं। तो आज का एडवाइस ये है कि उस लड़की के हर फोटो पे लाइक और कमेंट मत करो, नहीं पटेगी, कुछ नहीं होता। कौन बोला कौन बोला मुझसे ना हो पाएगा, कौन बोला कौन बोला YouTube ना हो पाएगा। उठ जा अपने बेड से तू, लग जा अपने काम पे, सदर से का वीडियो आया ध्यान दे इस नाम पे, सैटरडे एंड संडे को तेरा भाई मचाएगा। शाम के 6 बजे नया वीडियो आएगा, तू वीडियो देखने आया था, सब्सक्राइबर बन के जाएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। क्या बोलती पब्लिक, नंबर